हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज मैंने सत श्री अकाल बोला क्योंकि आज मैं ना पंजाब होके बिहार जा रहा हूँ, तो जो पंजाब के मेरे दोस्त हैं उनको भी मैंने सुबह सुबह सत श्री अकाल बोल दिया, ठीक है। और अभी ना हम श्रीनगर से आए थे बाय बस जम्मू, और अभी जम्मू पहुँच चुके हैं, सुबह के 4:30 बज चुके हैं। और यहाँ से ना मैं ये भैया टैक्सी जा रहे थे तो बोले शेयरिंग में भैया टैक्सी चले जाते, क्योंकि बस में ना मेरा पूरा वो हो जाता है, माइंड का दही हो जाता है, इसलिए यहाँ भैया का टैक्सी था, इसी में चल देंगे। और यहाँ से 340 किलोमीटर है चंडीगढ़, और फिर चंडीगढ़ से डायरेक्ट अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट सहरसा की ट्रेन मिलेगी तो वो ले लेंगे, नहीं तो फिर चंडीगढ़ से दिल्ली की ट्रेन ले लेंगे, और दिल्ली से तो बिहार की, दिल्ली से मेरी डिस्ट्रिक्ट की तो मिल ही जाएगी जी। हमारा सिटी हो गया आगे में, हमारा लैपटॉप पावर बैंक निकल चुका है, अभी एडिटिंग करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। अभी ना एक घंटा हम भैया निकलेंगे क्योंकि अभी ना पूरा गाड़ी खाली है, तो जो शेयरिंग में लिए हैं भाई तो भैया 600 रुपया लिए हैं, तो और सब आएंगे फिर मिलके यहाँ से चंडीगढ़ निकलेंगे। तो अभी जी जस्ट पहुँचे हैं चंडीगढ़, और मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और मैं अभी ना बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ कि एक ऑटो जा रहा था, उसमें ना एक लेडीज़ का जो पल्लू होता है वो चक्का के पास था, तो मैं ना ऑटो के पीछे दौड़ गया, दौड़ते दौड़ते जाके अंत में उनको बता ही दिया, तो फिर वो पल्लू ना बहुत ज़्यादा चक्का के नीचे आ गया, टायर के नीचे। बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मैं इस टॉपिक पर चर्चा कर रहा था। और अभी ना यहाँ तुम्हारी ट्रेन है 4:00 दिल्ली के लिए, और दिल्ली में ना आज जिस भाई के पास हम स्टे करेंगे वो हमारे दोस्त हैं, और उन्हीं के वहीं से हम ना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था दिल्ली से, उसी रूम से, तो आज वो रूम जाएंगे। फिलहाल अभी 2 बजे हैं, 2 घंटा लेट है, यहाँ भैया के पास बैठ के वेट कर रहे हैं, फिर जाएंगे ट्रेन पकड़ेंगे, हमारी 4:00 ट्रेन है, ठीक है, वेट करते हैं। और सुबह से भूखे ही है। और अंकल क्या हाल है? जी जी जी, ये ट्रैवलिंग करते हैं, वही ब्लॉग बनाते हैं, हाँ वो उनका ना पल्लू बहुत ज्यादा नीचे आ गया था टायर के नीचे, मैं दौड़ गया उनके पीछे, हाँ जी जी, ठीक है जी। अपनी सामान यहाँ रखी है, हमने चाय भी भैया के पास पी ली है, यहाँ ही वेट करते हैं। ओके सर, चलते हैं भैया। तो अभी जी ज़्यादा रेस्ट कर ली है, अगर इतनी रेस्ट करें तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, चलते हैं। और यहाँ से ना 22 नंबर बस जाएगी या 240 नंबर बस जाएगी, और दिल्ली में मुझे 6 महीना पहले मैं ऐसी कहता थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट भैया बोले कि 22 नंबर हरी वाली बस जाएगी यहाँ से रेलवे स्टेशन, ठीक है, वही पकड़ते हैं। और यहाँ पे कितनी सारे बस है, वो आपको दिख रही होगी हरी वाली बस, वहाँ पे एक लाइन में वही पकड़नी है भैया, रेलवे स्टेशन। तो अभी ना पहुंच गए चंडीगढ़ जंक्शन, और वो सामने आपको दिख रहा होगा। और अभी ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और मेरे पास कैश भी नहीं था, तो मेरे पास पेटीएम में पैसे थे, तो ये भाई ना किसी से बात कर रहे थे, तो मुझे ना बिहारी लैंग्वेज कुछ ऐसा लगा कि ये अपने गांव का बंदा लग रहा है, मैंने सडनली पूछा इनसे, और भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट बिहार से ही है, तो मैंने बोला भाई मैं आपको 50 रुपये पेटीएम करता हूँ, आप कैश दे दो, भाई ने हेल्प की। और मैंने 50 रुपये इनसे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ना एक जगह अनाउंस हो रहा है कि 20 रुपया में खाना चंडीगढ़ रेड क्रॉस की तरफ से, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, दिखाता हूँ 20 रुपये में खाना क्या मिलता है, ठीक है भैया, थैंक यू, आपने हेल्प की, ठीक है फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है चलते हैं, आपको दिखाते हैं 20 रुपये में खाना मिल रहा है यहाँ पे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से बाहर, पब्लिक प्लेस से ब्लॉगिंग करना, हाँ करेंगे यार, धीरे धीरे कर रहे हैं। और भैया क्या हाल है? बढ़िया। इसमें यार जो इंसान देखे ना उसके चेहरे पे ही कैमरा घुमा दो, फिर अच्छा होता है यार, हेजिटेशन दूर होगा, ठीक है, आवाज़ आपको आ रही होगी, चलते हैं यहाँ पे। 6 रोटी है, सब्जी है, अचार है, 20 रुपये में। और भैया कैसे हो? बढ़िया। चंडीगढ़ रेड क्रॉस की तरफ से 20 रुपये में क्या क्या भैया? 6 रोटी, सब्जी, अचार। ओके, एक पेड़ लगाना भैया, ट्राई करेंगे जरूर। 20 रुपये। ओके भैया, ये लो मैंने 50 रुपये, आप काटो। मुझे आज पहली बार ना 20 रुपये में खाना ट्राई कर रहे हैं, अभी तक तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट ये मेरी फर्स्ट खाना है तो मैं 20 रुपये में ट्राई कर रहा हूँ, उम्मीद करते अच्छा होगा। और थैंक यू भैया।
ओके, इनमें सब्जी है? सब्जी रोटी। ओके थैंक यू भैया। तो जी बढ़िया है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है वो 20 रुपये में खाना यहाँ खा सकते हैं। और अभी जी आ गए हैं जंक्शन पे और खाना ना 20 रुपये का खाने में बहुत अच्छा लगा। और जो दिल्ली वाले भैया होंगे ना, मैं उनकी बराबर चर्चा करता हूँ ब्लॉग में, अगर वो देख रहे होंगे तो इस बार मेरा टिकट नहीं हराएगा, क्योंकि मैंने टिकट काउंटर से कैश नहीं बनाया, मोबाइल से बनाया। टिकट हराने का मतलब है कि मेरा मोबाइल हराएगा तो ही टिकट हराएगा। ठीक है चलते। मैंने पूछा टिटी वाले से, उन्होंने कहा कि चार नंबर प्लेटफॉर्म में गाड़ी आएगी, तो वहीं चलते हैं चार नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो जी ये है हमारी ट्रेन जो जाएगी दिल्ली तक। और पब्लिक प्लेस से बोलने में ना ऐसा लगता है आदमी को कि कौन सा एलियन आ गया। ठीक है इसमें अपना सीट खोजते हैं। तो ये ऐसी बोगी में नहीं यार, अपनी स्लीपर है, चीपेस्ट आदमी है अपने लोग। और भैया क्या हाल है? बढ़िया है। ओके ठीक है, जो मिलते हैं सबसे हाल चाल पूछते हैं। बढ़िया भैया, मस्त। और जी ये रही अपनी बोगी, चलते हैं इसके अंदर। और अपना सीट नंबर है क्या है भाई? ये तो पूरा अंधेरा है यार। 7 सीट नंबर स्टार्टिंग में ही दिखाई पड़ेगा यार। ओह ये है हमारी सीट 7। चलो भाई कोई नहीं, अपना सामान रखते हैं। पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, वो वापस उस कोने तक गए थे अपनी बोगी खोजने के लिए, बट नहीं मिली, वापस इस साइड आना पड़ा। आप लोग भी जब ना मतलब आते हो ट्रेन में, तो आप लोग भी पहले अगर बोगी खोजते हो कि अपना बोगी S5 या C2 कुछ भी हो, तो आप पहले ना अपोजिट साइड जाते हो पूरा लास्ट तक, फिर चलता है पता ओ दिस साइड उस साइड उस साइड उस साइड, फिर वहाँ लास्ट वापस आते हो इस साइड आपकी बोगी रहती है। ऐसा मेरे साथ ना बहुत बार होता है जब मैं ट्रेवलिंग करता हूँ, ऐसा ही होता है और आज भी ऐसा ही हुआ। ठीक है बहुत ज़्यादा थक गए और गर्मी ना चंडीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है, वो मेरा भूलिया देखिए आपको पता चल रहा है। आज मेरा पूरा ब्लॉग ना पूरा मेरा चेहरा ख़राब था, बट फिर भी मैंने ब्लॉग बनाया और आज पब्लिक प्लेस पे बनाया, पब्लिक देखने लगे, मैंने कैमरा उनकी तरफ घुमा दिया। होती है हेजिटेशन, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है धीरे धीरे, बट धीरे धीरे आप ना उनको डिजर्व कर रहे हैं। ठीक है रखते हैं सामान, तो ही रेस्ट करते हैं। फैन वैन तो है बट ट्राई करते हैं चलता है या नहीं चलता है। नहीं कुछ भी नहीं चल रहा है, ट्रेन स्टार्ट हुई तो ही चलेगा। ठीक है हमारी ट्रेन खुल चुकी है और मैं ना स्लीपर सीट बुक किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए अब ना सोते हैं और 9:10 o'clock ट्रेन दिल्ली पहुँचेगी, वहीं आपसे मिलेंगे, 3-4 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। तो भाई साहब अभी जस्ट पहुँचे हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन और अभी रात के 10 बज चुके हैं और मैं ना 4 घंटा ट्रेन में सो के ही आया। और वो भाई जिनके रूम पे जाते वो कॉल पे कॉल कर रहे थे, तो फाइनली उनको अभी कॉल किए, बोले भाई आधे घंटे में रूम पे पहुंच रहे हैं, चलते यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा या तो मेट्रो लेना पड़ेगा, मेरे पास तो कैश है नहीं, फिर मुझे पेटीएम से पैसे निकालने पड़ेंगे। यार मैं एक ही बार क्यों नहीं निकाल लेता, मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ, मैं भी गलती कर रहा हूँ, कोई नहीं ठीक है चलते हैं, कहीं भी पैसे निकालते जल्दी से निकलना है उनके रूम पे। रात के 10 बज चुके हैं भाई। जी रात का नज़ारा दिल्ली का और वहाँ पे दिल्ली मेट्रो का बोर्ड लगा है, वहाँ चलते हैं। सबसे पहले तो कैश निकालना पड़ेगा यार, पहले बाहर निकलते हैं। और अभी ने मैंने फर्स्ट टाइम देखा दिल्ली में कि आप विदाउट मास्क के भी मेट्रो यूज़ कर सकते हो। मैंने मास्क खरीद लिया बाहर में, अगर कोई काम ही नहीं, बट मुझे अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। और यहाँ से ना मुझे जाना है गोविंदपुरी और बट यहाँ से चेंज करना पड़ेगा राजीव चौक टू गोविंदपुरी, तो एक जगह चेंज करना पड़ेगा। रात के 10:20 हो गए, मेट्रो बंद भी होने वाली है 11 बजे। ठीक है वेट करते हैं। तो फाइनली जी पहुँच गए रूम पे और रात के ना 11:30 हैं और मैं ना 2 दिन से स्नान नहीं किया हूँ और फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, तो अभी चलते हैं पूरा भाई का इसी भाई के रूम पे आए हैं। और कैसे भाई आप? बस बढ़िया भाई। भाई का नाम ब्रजेश है, इन्हीं के साथ पहले ना हम आज से 8 महीना पहले दिल्ली में रहते थे। ठीक है अभी चलते हैं स्नान करते हैं फ्रेश होते हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और दिल्ली में गर्मी भी अभी ज़्यादा है। ठीक है आज का ब्लॉग इतना ही रखते, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।